गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 27 तारीख दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव स्ट्रीम में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है। और जैसे कि देखने को मिला जी, मौसम आज खुला हुआ है जी, सुबह से लेकर के अभी तक बारिश वारिश नहीं हुआ है, तो उससे क्या कुछ बाजार में फर्क पड़ा है, ये जो 5-6 दिन बारिश रहा जी वब। और अब मैं ग्राहकी कैसा है, सेल पॉइंट कैसा मजबूत देखने को मिला, और लहसुन में डैमेज की शिकायत इस समय कितना बन रहा है या फिर क्वालिटी किस तरह का रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A269 अमृत ट्रेडिंग कंपनी में, और देख सकते हैं इस समय का माहौल जो है ग्राहकों का कुछ इस तरह का है जी। देखो जी, और सर के पास जो लहसुन का क्वालिटी है कुछ इस तरह का क्वालिटी है। देखो जी, ये बॉक्स क्वालिटी है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर जी, आप बताओ जी। जी बहुत बढ़िया जी। तो सर जी, मौसम भी खुल चुका है कई दिनों के बाद, अभी 5-6 दिन से लगातार बारिश हुआ, तो आज फिलहाल तो मौसम ठीक है जी? फिलहाल तो ठीक है, बादल भरे हुए हैं। हाँ जी, जी। भी हो सकती है दोबारा। बिल्कुल सर, सावन का महीना है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी इस समय तो सर जी बारिश हो जा रहा है, पता नहीं लग रहा जी। तो सर जी, अगर बात करें अराइवल का, तो अराइवल आज कितना पहुंच रहा है, और इस समय जो है क्वालिटी कैसा है सर, और सेल पॉइंट कैसा है? देखिए, 8 मोटर की आवक है, इसमें 2 पंजाब हैं, 2 हिमाचल हैं, 2 एमपी हैं, 1 छिपा है, 1 हरियाणा है। अच्छा जी, और सेल पॉइंट कैसा आज, मतलब और दिनों को मुकाबले जो है आज डबल मंडी भी है आज, तो थोड़ा सा सुबह से रौनक है बिक्री के अंदर, क्योंकि मौसम खुला हुआ है तो ग्राहक आज निकल पा रहा है घर से, तो थोड़ी और दिनों के मुकाबले आज रौनक अच्छी है मंडी के अंदर बिक्री के लेकर। तो रेल है, अच्छा, चहल पहल के साथ रेटों में भी कुछ फर्क देखने को मिला या फिर रेट समान खड़े, रेटों में कोई फर्क नहीं है, रेट बाजार बिल्कुल समान खड़ा है। क्यों जी? सावन का महीना चल रहा है, बारिशें हो रखी हैं, और कुछ हिंदू लोग सावन में ज्यादा मानते हैं, तो थोड़ा सा खान पान पे वो लोग अपना रोक लेके रखते हैं, तो थोड़ा सा बाजार समान खड़ा हुआ है, तेजी अभी नहीं है बाजार का। अच्छा जी, और सर जी फिलहाल जो है, मतलब जो ये बारिश वगैरह सारा कुछ हुआ है ना जी, पीछे भी कई जगह बारिश हो रहा है जी, तो इसको देखते हुए क्वालिटी पर अगर बात किया जाए, तो क्वालिटी इस समय कैसा बना हुआ है सर? क्वालिटी ठीक आ रहा है, कुछ अच्छा। तो माल को बताया बिल्कुल बैठ चुके हैं, तो गर्मी कर बैठ गए थे, वो मंडी में आ गए हैं जी। अब वो थोड़ा सा बाजार को थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्यों? बहुत मंदे भी कर रहे हैं, कुछ माल तो आप मानिए बिल्कुल 100% बैठ चुके हैं। अच्छा, जो कि आज से पहले बहुत कम देखा गया है जी, तो माल कई माल तो एकदम ही बैठ चुके हैं, वो बिल्कुल ही बहुत ही कम भाव में बिक रहे हैं जी, तो उससे थोड़ा सा असर हो रहा है बाजार के ऊपर। तो जो भी अभी सर जी परसेंटेज, अभी जो भी 25-30 या 40% जो भी रह गया होगा, मतलब सभी एरिया को मिला करके जो लहसुन का परसेंटेज, तो उस परसेंटेज में से मतलब ये हल्के क्वालिटी का परसेंटेज का अनुमान कितना रहेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है फिलहाल, क्यों? अभी लहसुन आ ही रहा है, हल्के वाले अभी मंडियों पहुंच रहे हैं, अभी जब बारिश होती है ना तो जो हुमस निकलती है उससे भी माल और बैठ जाते हैं एक बार। अच्छा, एक तो जो पहली बारिश आती है वो माल भी मंडियों में आ रहे हैं अभी, मतलब बारिश उतना नुकसानदायक नहीं जितना ये भपका जो नुकसानदायक होता है। बारिश तो नुकसानदायक नहीं होती है, बारिश तो फायदा ही पहुंचाती है जी, उससे मॉइस्चर जो होता है इसका लेवल बढ़ जाता है जी, तो बारिश से नुकसान नहीं होता, बल्कि टूट फूट जो है लहसुन में कम हो जाती है, पर्दा और पकड़ लेता है लहसुन दोबारा से, तो बारिश तो अच्छी होती है जी, बारिश का नुकसान नहीं है। अच्छा। अनलेस की बाढ़ आ जाए, बाढ़ नहीं आनी चाहिए, वो किसान भाई के लिए बहुत खराब होता है। और ये उमस जो है सर जी, ये उमस कितना नुकसानदायक होता है सर? उमस जो शुरू की होती है नुकसानदायक होती है जब भपका निकलता है। अच्छा, और सर जी बात करें अगर एरिया वाइज रेटों का, तो अपने पास किस किस एरिया का ये बॉक्स क्वालिटी जो है? देखिए, बॉक्स क्वालिटी ये कोटा से है, ये 200 रुपए की रेंज के माल बिक रहे हैं। ओके, आप अगर यहाँ हिमाचल पे आ जाएंगे जी, तो 220 के रेंज के माल है ये। अच्छा, अगर ये आप हरियाणा के शंकर माल पे आ जाएंगे तो 140-150 की रेंज के माल बिक रहे हैं। अच्छा, इस तरह के पॉइंट से एक बार सर जी एरिया वाइज नीचे ऊपर करके रेट बता दीजिए, नीचे में क्या रेट बिका, ऊपर में क्या रेट? हिमाचल का माने 150 से लेके 220 तक मान के चले आप। अच्छा, हरियाणा के माल आप 100 रुपए से लेके 170 रुपए तक मान के चले आप। अच्छा, और पंजाब यूपी एमपी, यूपी के जो माल है वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक मान के चल सकते हैं। अच्छा जी, और एमपी के अंदर 60 रुपए से जो माल हल्के पड़ चुके हैं वो 60 रुपए से लेकर और 200 रुपए तक की बाजार है इस समय एमपी के माल। अच्छा, और ये स्थिति कोटा के मालों की भी है। ओके, और सर जी बात करें पंजाब का, पंजाब के माल जो ऊपर में है वो 200-220 बिक रहे हैं, तो स्पेशल माल जो आ रहे हैं जी, आम माल 150-60 अच्छा 70 तक बिक रहे हैं उनके। और सर जी इस समय मार्केट में रियामन क्वालिटी भी पहुंच रहा है क्या? रियामन अभी कम आ रहा है फिलहाल तो। ओके, अभी रियामन का डिमांड जो है सर जी कौन से महीने में रहता है सर? डिमांड तो रियामन का है ही है,
क्योंकि हमारे जो बिहारी भाई हैं वो रियामन काफी पसंद करते हैं, जवा उसका अच्छा बनता है। अच्छा, तो अभी कम आ रहा है पर आगे आने वाले महीनों में रियामन अच्छा आएगा। ओके, और सर जी अभी बाजार उठता हुआ जो है, मतलब इसमें जो है 30-40 रुपए का बाजार बनता हुआ कब तक नजर आ रहा है या फिर अभी स्टेबल ही चलेगा? देखिए अभी स्टेबल चलेगा, ये सावन के बाद ही जो है 15 अगस्त के बाद जो रक्षाबंधन है उसके बाजार तेजी आने की उम्मीद है, वो भी तब अगर ये चाइना माल आना रुक जाए। अच्छा, हाँ चाइना का माल आना रोकना बहुत जरूरी है इससे। ओके, वो सारा खेल उसके ऊपर है। अच्छा, अगर वो रुक गया तो बाजार निश्चित 50 रुपए बढ़ जाएगा एकदम से जी, और अगर चलता रहा तो फिर बाजार ही रहेगा। अच्छा, और सर जी अभी जो है 20-25 दिन बाद जो लहसुन लगेगा वो कब तक निकलता है, उसका मतलब कब तक मार्केट में आ जाता है जी? देखिए जो सबसे पहले लहसुन लगता है एमपी के अंदर, और उसकी फसल हमारी 26 जनवरी के आसपास आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, 26 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक के माल आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो मतलब अभी टाइम है काफी, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। अभी आप आ रही है कि पूरे सब्जी आपके 6-7 महीने हैं आपके पास। अच्छा, अभी तो 7वां महीना चल रहा है, अभी 6 महीने मान के चलिए अभी लहसुन और बिकने को है इससे। अच्छा जी, मतलब अभी सिर्फ केवल जो है सीड खरीदा जा रहा है। हाँ, सीड खरीदा जा रहा है, सीड की बिजाई होगी उसके बाद फिर अपने हिसाब से चलेगा। अच्छा, इस बार सर जी लहसुन जो है मतलब क्या लग रहा है, जिन किसान भाइयों से बात होता होगा तो क्या उम्मीद लग रहा है कि जो कितना लगेगा इस बार, और किस तरह से मतलब इस बार लहसुन को कंट्रोल करके लगाना चाहिए या फिर मतलब? देखिए कंट्रोल करके लगाना चाहिए, इससे क्या होगा बाजार का भाव बना रहता है, बाजार मेंटेन रहता है। ज्यादा लगाने से क्या होता है, एकदम बम्पर क्रॉप होती है और बम्पर क्रॉप से नुकसान होता है। अच्छा, फसल ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, लहसुन बहुत मंदा बिकता है। अच्छा, कई बार तो किसान भाइयों के पैसे पूरे नहीं हो पाते, इतनी किसान मेहनत करते हैं, पानी लगाते हैं, इसके उनके पैसे पूरे नहीं होते, बहुत दुख होता है। अच्छा, तो किसान भाइयों को एक लिमिट में ही लगाना चाहिए ताकि क्रॉप बम्पर क्रॉप ना हो। अच्छा, अच्छी क्रॉप बम्पर ना हो ताकि उनको कम से कम उनके पैसे बनते रहे, कुछ घर के लिए पैसे उनके बनने चाहिए, बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं सर ये चीज जो कुदरत के हाथ में भी नहीं रहता क्या सर, कई बार ऐसा होता है कि जो अगर उन्होंने कम लगाया, बारिश से काफी ज्यादा हो गया तो इसे और भी ज्यादा मतलब? बिल्कुल, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, कई बार देखा गया है कि ज्यादा ओस पड़ने से भी कई बार लहसुन खराब हुआ है, कई बार बहुत ठंड पड़ने से भी लहसुन खराब हुआ है, या एकदम बारिश पड़ गई तो लहसुन निकलने वाला एकदम से, तो उसमें शिकायत आ गई लहसुन में, तो ये कई बार फर्सी देखी जाती है। अच्छा, और ये प्राकृतिक चीजें हैं, इन पे जोर नहीं है इंसान का जी। मतलब एक उस लिमिट में लगाना चाहिए जो खाने वाले को भी दिक्कत ना हो और किसान के पैसा में भी जेब में भी जो है दो पैसा जाए। कई बार क्या होता है किसान भाई एक दो देखिए सब लोग पूरा पूरा गांव में लगा लेता है, इसमें क्या होता है फिर बम्पर क्रॉप हो जाती है, उससे एंड में आके जो होता है ना लहसुन के भाव बहुत गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा गिर जाते हैं जी, उसमें दुख होता है क्योंकि किसान भाई को कुछ घर नहीं आता, बल्कि जेब से भी रुपया चला जाता है उनका। बिल्कुल सर, जेब से क्या कर्जे में चले जाते हो, उस कर्जे को भरते भरते बिल्कुल मतलब ऐसा टाइम आ जाता है कि जो चीजें बिकने के उसमें हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जी। तो सर अभी जो है ये कितना दिन चलता रहेगा रेट इस तरह का? अभी चलता रहेगा, ये साल अच्छा है किसान भाइयों के लिए, ये रेट बढ़िया ही रहेंगे, और अगर चाइना कई सरकार रोक लगा देती है तो बहुत बढ़िया रेट रहेंगे लहसुन के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कारण क्या देखिए आप समझिए बात को कि लहसुन मर भी बहुत गया है इस बार। अच्छा, कितना लहसुन इस बार मरा है, इससे पहले शायद कभी इतना लहसुन नहीं मरा था। अच्छा, मैंने कई मालों में 100% तक माल देखा है जो खराब हो चुका है, आज से पहले मैंने नहीं देखा था। Okay. तो गर्मी जो पड़ी है इस बार वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। अच्छा, तो ज्यादा गर्मी करके जो है लहसुन काफी खराब भी हो गया है। और लगभग जो है सर जी कितना परसेंटेज अभी रह गया होगा लहसुन का? 40% के आसपास लहसुन बचा है। अच्छा, बाकी अब कितना मरा है उसमें भी 5-7% वो भी निकल जाएगा। अच्छा, तो लहसुन और कम बच जाएगा। ओके, और सर जी इस समय प्रोडक्शन मंडी जितनी भी है उधर का क्या कंडीशन है सर, सेल पॉइंट कैसा है, रेट जो खुल रहे हैं दिल्ली से टाइट खुल रहे हैं या फिर ऐसा ही दिल्ली जैसे ही चल रहा है? कई मंडियों में दिल्ली से राइट तेज खुल रहे हैं, क्यों साउथ में बाजार अच्छा है, साउथ में डिमांड भी है लहसुन के लेकर। ओके, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। शॉप नंबर 8269, फर्म है अमृत ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9811219269। धन्यवाद सर जी, जय किसान जय भारत।